70 से ज्यादा ज्योतिष की पुस्तकों को लिखने वाले गोपाल राजू ने इस सफल आयोजन को लेकर क्या कुछ कहा, ये सुनते हैं खुद ज्योतिषाचार्य गोपाल राजू से। ज्योतिष को लेकर, देखिए ज्योतिष विधा है एक आदमी के जीवन को बहुत सारी चीजें बताने के लिए एक टूल है मान के चलिए, और उस टूल को अगर प्रॉपरली यूटिलाइज किया जाता है तो बहुत अच्छी चीजें निकल के आ सकती हैं। मगर सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है कि इसमें समय नहीं दान करता आदमी, है ना, क्योंकि आदमी दो ही काम कर सकता है, तो समय दान करे या फिर पैसा कमाए, और जब पैसा कमाएगा तो फिर वो समय नहीं दे पाएगा उसमें। तो उसको मैंने देखते हुए इस चीज़ को लेकर आगे बढ़ा, और मुझे लगा कि बिना पैसे के भी काम करता है, निस्वार्थ भाव से भी काम करता है आदमी, तो बहुत सारी चीज़ें मिल सकती हैं हमें, और लोगों को प्रेरणा मिलती है, सबसे बड़ी चीज़ है ना। आप मेरा, जैसे मेरा यूट्यूब चैनल में जाएंगे आप, अगर केवल गोपाला जो आप गूगल करेंगे, अगर यूट्यूब में जाएंगे आप देखेंगे 3,500 वीडियोज़ हैं, और उसमें कितने लोग हैं आप खुद देखिएगा, कितने लोग देख रहे हैं, गूगल कीजिएगा। तो इसका मतलब लोगों में जिज्ञासा है, देखना चाहते हैं, मगर वो चीज़ें देखना चाहते हैं जो कहने की लॉजिक हैं, जो कहीं ना कहीं उनमें कुछ ना कुछ साइंटिफिक उसमें फुटिंग्स में कहीं ना कहीं इसको खरा उतारा जा सकता है। तो वो ये नहीं कह सकते कि भगवान है, मैं भगवान हूँ, या मैं 100% कर दूँगा, उसके मैं खिलाफ हूँ। हम भी ह्यूमन बींग हैं, तो आदमी इसमें अगर आगे बढ़े तो बहुत अच्छे परिणाम मिल सकते हैं, ये मेरा चीज़। और केवल ज्योतिष ही नहीं है, जो गुही विधाएँ हैं, जो पराविद्याएँ हैं, वो अनंत हैं। करीबन 29-30 विधाएँ तो मैंने फॉलो किया, तो वो आदमी अगर इन पे बढ़ के काम करता है आगे तो बड़े अच्छे रिजल्ट्स मिल सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं। इतना अच्छी वो एनर्जी देखे गए, बोलो हाँ कैसे हंसो गे, मैंने देखी है एक बंदे, प्लीज एक जना खड़े होके अपनी हंसी, सुंदर सी हंसी सबको दिखाए, दांत चाहे ना मेरे भी नहीं है, बताइए प्लीज, सभी सुनवा रहे, कमाल है, वेरी नाइस, ये देखो इनको माइक दे दीजिए मैडम, माइक दे दीजिए सर को, माइक दे दीजिए, क्योंकि देखो ये ज्योतिष चर्चा तो चलती रहेगी हमारी, लेकिन आप यहाँ से आदरणीय राजू जी हमारे लिए इतना कुछ, संजीव जी, पूनम जी, इतना कुछ लेके आई है, हम चाहते हैं यहाँ से आप स्वस्थ रहे, मस्त रहे और खुश रहे, सारे स्वस्थ रहे, सबके लिए एनर्जी, स्वस्थ रहे, बोलो भैया, स्वस्थ रहे, खुश रहे, खुश रहे, वेरी नाइस, वेरी नाइस, इसने भी हंसी कई तरह की है, रावण वाली हंसी भी हंसी, रावण वाली हंसी भी हंसी, हमने ज्योतिष सम्मेलन की दुनिया में एक एक्सपेरिमेंट किया गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से, और माँ गंगा की इतनी असीम कृपा हुई, हमारे श्री राम जी की इतनी असीम कृपा हुई कि ग्रैंड सक्सेस मिली हमें, 400 की गैदरिंग। और सबसे इसमें महत्वपूर्ण बात यह रही कि इसमें एस्ट्रोलॉजर्स बहुत कम थे, 70% वो लोग थे जो नॉन एस्ट्रोलॉजर्स थे, वो लोग थे जो जिज्ञासु थे, इंथुजियास्टिक थे लर्न करने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए। और इसमें हमने केवल एस्ट्रोलॉजी ही नहीं ली, बहुत सारी विधाएं ली, और वो विधाएं क्या क्या हैं ये आप गोपाला जी मोटिवेशनल वीडियोस के माध्यम से, ये जो हम नए चैनल में अपने डाल रहे हैं इसके माध्यम से लोगों के हम इंटरव्यू दिलवा रहे हैं, इसको हमने चैनल के माध्यम से वायरल किया, इसमें हमने इंटरनेट के माध्यम से वायरल किया, हमने प्रिंट मीडिया को बिल्कुल सहारा नहीं लिया,
और जो हमारे एस्ट्रोलॉजर फ्रेंड्स बहुत सारे गुस्सा भी हो गए हमसे इसलिए कि हमने उनका निमंत्रण नहीं दिया, उसका कारण ये था कि जो हमारी कॉन्फ्रेंस थी एस्ट्रोलॉजर्स के लिए नहीं थी, ये कॉन्फ्रेंस थी केवल जिज्ञासुओं के लिए। मगर फिर भी जो हमारे स्नेही मित्र थे जिनको हमने बुलाया, बार बार हमने उनका निमंत्रण दिया, वो आए और हमें उन्होंने धन किया, उन्होंने अपना कॉपरेशन दिया, अपना सपोर्ट दिया। और सबसे बड़ी चीज़ जो प्लेस हमने रखा था, ये नकलंक धाम हरिद्वार, ये जो वेन्यू था ये अपने में एक यूनिक वेन्यू, सबने अप्रिशिएट किया कि इतने सस्ते में इतने कम दान में 3 दिन का हमने कॉन्फ्रेंस करी थी और इतना सक्सेसफुल हुआ कि हमें कम से कम 1 दर्जन हमें ऑफर्स मिल रहे हैं कि यहाँ हम इसी प्रकार का इवेंट करें। और जो श्रेय जाता है ये डॉक्टर अर्जुन, डॉक्टर रमन, डॉक्टर आकाश, पल्लवी जी, सुनी हमारी, ये सिमी जी, पूनम जी और बहुत सारे हमारे ऐसे लोग जिनके मैं नाम नहीं लूँगा नहीं तो किसी के रह जाएंगे, और हमारे जो सूत्रधार हमारे कर्णधार डॉक्टर संजीव अग्रवाल मेरठ से, इनका जो एंकरिंग का था पार्ट, इनका जो सूत्रधार का पार्ट था बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने निभाया उसको, और मैं सबको धन्यवाद करता हूँ। ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि लोगों के इंटरव्यू, जो हर आदमी जिज्ञासु होता है कि उसका इंटरव्यू कैसा हुआ, तो आप लोग देखिए अपना इंटरव्यू, और आप चाहें तो इसको अपने YouTube चैनल से वायरल कर सकते हैं विदाउट एडिटिंग। ये ध्यान रखिएगा कि कोई एडिट नहीं करेगा इसको, एज इट इज़ आप अपने चैनल के माध्यम से इसको प्रमोट कर सकते हैं। देखिए देखते रहिए, आपका भी इसमें नंबर आ सकता है। सर अगर मैं 20 साल रिवाइंड करूं चीज़ों को, तो मैं अगर अपने ज़माने की बात करूं तो उस समय तो हमारे पास ऑप्शंस होते तो बहुत सारे थे लेकिन पता नहीं होते थे। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आज के टाइम में अगर बच्चा ऑप्शंस को सही तरह से एक्सप्लोर करे और जाने चीज़ों को कि उसकी डिमांड क्या है और वो किस लाइन में जाना चाहता है, उसी से रिलेटेड जैसे YouTube पे बहुत सारे वीडियोस हैं, करियर काउंसलिंग सेल्स हैं, और आजकल मैं देख रहा हूँ कि जो कॉलेजेस हैं, प्राइवेट कॉलेजेस, गवर्नमेंट कॉलेजेस, उसमें काउंसलर्स फुल टाइम बैठते हैं। जैसे मैं अपने कॉलेज की भी बात करूँगा तो वहाँ पे फुल टाइम एडमिशन काउंसलर्स हैं, तो अगर आप उन लोगों से जाकर के मिलते हैं किसी भी कॉलेज में, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो आपको सही गाइडेंस दे पाते हैं। लेकिन सबसे पहले ज़रूरी ये है कि आपको ये पता होना चाहिए कि आपको कौन सी लाइन चुननी है। आप मैनेजमेंट में जाना चाहते हैं, साइंस स्ट्रीम में जाना चाहते हैं, आर्ट्स लेना चाहते हैं, हर ब्रांच, ऐसा नहीं है कि कोई भी ब्रांच बंद हो जाती है, मल्टीपल ऑप्शंस आपके पास खुल जाते हैं किसी भी ब्रांच से ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद। तो आपको सही काउंसलिंग मिलना मेरे हिसाब से बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। खाली यूट्यूब से या खाली किसी काउंसलर से मिलके या खाली कोई वीडियो देख के, या जैसे आपने कहा कि खाली कोई मूवी देख के आप प्रेरित हो जाएँ, तो वो सही नहीं है।